नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 10 के सभी विषयों का सिलेबस जारी कर दिया गया है और सभी विषयों के सिलेबस में कोरोना वायरस के चलते 40% की कटौती करी है। तो मैं आज आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का सिलेबस बताऊंगा। जो जो पॉइंट इसमें से हटाए गए हैं उन पर मैं आपको टिक करवाऊंगा। तो आपको नए सिलेबस के अनुसार 2021 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो ये वीडियो आप पूरा देखें, इसमें मैं आपको सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस बताऊँगा जो हटाया गया है। तो आप अपनी बुक अपने पास रखें और उस पर टिक लगा लें कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। इससे पहले मैंने गणित और विज्ञान के सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले लेसन से कि इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपके इतिहास का पाठ है, ये पहला अध्याय है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो देखो इसमें से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले महाजनपद काल, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो इस पर आप टिक कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए इसको, ये आपको नहीं पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख जनपद भी आपको नहीं पढ़ने हैं, तो ये वाला पॉइंट भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इन पर आप टिक कर लीजिए। इसके बाद आगे आपको शुंग वंश नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है। सात वाहन वंश भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपको हटा दिया गया है, आपके सिलेबस में ये पार्ट नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखो ये गुप्त साम्राज्य आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, इसको नहीं हटाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सभी पढ़ने हैं आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखो वर्धन वंश, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसके बाद पाल वंश, ये आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो पाल वंश को आप कट कर लिए, ठीक है। इसके नीचे देखो गुज्जर प्रतिहार वंश, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इससे इसमें जो भी पॉइंट है ना इससे संबंधित वो आपको नहीं पढ़ना है। राष्ट्रकूट वंश भी आपको नहीं पढ़ना है, कट कर लो इसे, हटा लिया गया है ये राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, नहीं पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद देखो आगे चोल वंश भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चोल वंश से रिलेटेड जो भी है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, कट कर लीजिए इसे, ये हटा दिया गया है, अपने सिलेबस में ये नहीं आएंगे। तो इनसे संबंधित जो भी चोल कला नहीं पढ़ने हैं, चोल वंश से रिलेटेड जो भी हैं। देखो इसके बाद पल्लव वंश, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, इसको भी आप क्रॉस कर लीजिए, कट कर लीजिए, आपके सिलेबस में ये नहीं है। पल्लव वंश से संबंधित देखो चालुक्य वंश, ये भी हटा लिया गया है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, इसे भी आप कट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जो जो मैं आपको ये लगाते जा रहा हूँ वो आपको नहीं पढ़ने हैं। देखो ये वाला जो है ना बाह्य आक्रमण एवं आत्मा शक्ति, ये वाला जो, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट है, ये बाह्य आक्रमण एवं आत्मा सातिकरण, ये नहीं पढ़ने हैं आपको, ये हटा लिए गए हैं। अब जिसमें देखो ये शक जो भी है ना, ये शक, ये पॉइंट जो भी, कुषाण वंश, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, कनिष्क, ये हूण आपको नहीं पढ़ना है, हटाया गया है, तो आप इसे कट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला, ये आत्मा, ये नहीं पढ़ना है आपको, कट कर लीजिए इसे, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो ये जो मैंने बताया पहले चैप्टर में से, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। दूसरा चैप्टर है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट आपके हटाए गए हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो देखो इस लेसन में से आपको
ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ना है, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य रिलेटेड जो भी पॉइंट है ना वो आपको नहीं पढ़ने हैं। बाकी के जो ऊपर के सभी पॉइंट आपको पढ़ने हैं, सभी आपके सिलेबस में है। इसके बाद देखो आगे ये बहमनी साम्राज्य आपको नहीं पढ़ना है और इससे संबंधित जो भी पॉइंट है इसमें वो आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद देखो ये वाला पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है, सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। अब सिख धर्म से रिलेटेड जो भी है ना पॉइंट ये आपको नहीं पढ़ने हैं, जैसे ये गुरु गोविंद सिंह नहीं पढ़ने हैं, आपको आपके सिलेबस से ये हटा दिए गए हैं। बंदा बैरागी रणजीत सिंह ये नहीं पढ़ने हैं आपको, तो ये लेसन दो की बात हो गई। अब आगे के अध्याय तीन है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। अब देखो इसमें से कौन कौन से पॉइंट आपको नहीं पढ़ने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष आपको नहीं पढ़ना है, ये हटा लिया गया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट आपको नहीं पढ़ने हैं, इन्हें आप कट कर लीजिए, इन्हें आप क्रॉस कर लीजिए। इसके बाद देखो आगे ये जो सभी आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको नहीं पढ़ने हैं, तृतीय मैसूर संघर्ष ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ये वाला पॉइंट भी आपके हटा लिया गया है। अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष आपको नहीं पढ़ना है। तो इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद आगे आपको ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ना है, क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, ये वाला पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है। और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है ना आगे वो आपको नहीं पढ़ना है। जैसे ये महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन आपको नहीं पढ़ना है, चापेकर बंधुओं द्वारा ये आपको नहीं पढ़ना है। तो इसमें जितने भी आगे पॉइंट है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। श्याम कृष्ण वर्मा तथा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना नहीं पढ़ेंगे हम, विनायक दामोदर सावरकर भी हम नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में इन्हें कट कर लीजिए जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये किसान आंदोलन भी आपको नहीं पढ़ना है, इसमें भी सिलेबस में कटौती करी गई है, ये वाला सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है किसान आंदोलन, ठीक है। जितने भी किसान आंदोलन है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ये जो आपको किसान आंदोलन से संबंधित पॉइंट हैं ये आपको नहीं पढ़ने हैं। तो आपके सिलेबस से इनसे कटौती कर ली गई है, खेड़ा किसान आंदोलन जितने भी किसान आंदोलन है वो आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद राजनीतिक आंदोलन आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है ये। इसके बाद ये वाला पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है, किसान आंदोलन इसमें से हटाया गया है, किसान आंदोलन में ये बिजोलियाँ किसान आंदोलन आपको नहीं पढ़ना है, हटा लिया गया है सिलेबस में से। तो इस पार्ट में से आपको जो भी ये आंदोलन है किसान आंदोलन वो आपको नहीं थे, चित्तौड़गढ़ बेंगू ये जो भी किसान आंदोलन है वो पूरे हटा लिए गए हैं। तो ये आपके अध्याय तीन की बात होती है। अब अध्याय चार है विश्व का इतिहास। अब देखो इसमें क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, पहला जो पॉइंट है वो आपको नहीं पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये आपको नहीं पढ़ना है, इसे हटा लिया गया है। जो भी इससे संबंधित पॉइंट है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण नहीं पढ़ेंगे हम, जितने भी राष्ट्रवाद के कारण हैं सारे कारण हटा लिए गए हैं नए सिलेबस से, तो ये आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद आगे देखो ये जो भी चल रहा है ना जो भी कारण थे वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्या नहीं पढ़, इसके बाद ये वाला पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है, जर्मनी और इटली का एकीकरण। तो इसमें जितने भी पॉइंट हैं ना वो नहीं पढ़ने हैं, बाकी इस पार्ट से आपको सभी पॉइंट पढ़ने हैं। तो पार्ट चार जो था उसमें से ये कुछ पॉइंट मैंने बताए, इनके अलावा आपको सभी पॉइंट पढ़ने हैं। अब देखो अध्याय पाँच है लोकतंत्र। देखो ये राजनीतिक शास्त्र वाला पार्ट है आपके, अब इसमें से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, देखो इस पहले तो परिभाषाएँ नहीं पढ़नी है आपको, जो भी परिभाषाएँ दे रखी है ना लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार जो भी परिभाषाएं हैं वो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्या नहीं पढ़ना है, लोकतंत्र की कार्य प्रणाली आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है ना, परिभाषाएं जितनी भी हैं वो आपको नहीं पढ़नी है। परिभाषाओं के बाद इसकी कार्य प्रणाली लोकतंत्र की अवधारणा व सिद्धांत आपको नहीं पढ़ने हैं।
जैसे नीचे लोकतंत्र की, देखो ये उदारवादी सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत हैं ना वो आपको नहीं पढ़ने हैं, हटा लिए गए हैं। और आप नीचे देखना, इसमें जो भी सिद्धांत है ना वो आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके ये देखो, ये सिद्धांत आपको नहीं पढ़ने हैं। तो इसमें से हटाए गए पॉइंट हैं परिभाषाएं, कार्य प्रणाली, लोकतंत्र की अवधारणा, वह सिद्धांत आपको नहीं पढ़ने हैं। अध्याय 6 है केंद्र सरकार। अब देखो केंद्र सरकार में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें आपको कार्यपालिका नहीं पढ़नी है, ये वाला जो पॉइंट है कार्यपालिका, क्रॉस कर लो इसे। राष्ट्रपति पढ़ना है आपको, सॉरी राष्ट्रपति पढ़ना है, कार्यपालिका में कार्यपालिका नहीं पढ़नी है, राष्ट्रपति वाला पढ़ना है, राष्ट्रपति पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, ये सभी जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आपको पढ़ना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति आपको नहीं पढ़ना है, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी पॉइंट आएंगे वो आपको नहीं पढ़ने हैं, उनको आप कट कर लीजिए। अगला पॉइंट है ये मंत्रिपरिषद का गठन आपको नहीं पढ़ना है, उसके कार्य अधिकार व शक्तियाँ नहीं पढ़नी है, मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं पढ़ना है, उसकी शक्तियाँ। देखो मंत्रिपरिषद जो भी है ना, मंत्रिमंडल की शक्तियाँ आपको नहीं पढ़नी है, ये वाला पॉइंट हटा लो आप इसे, ठीक है। और भी इसके बाद अगला जो पॉइंट है न्यायपालिका आपको नहीं पढ़नी है, न्यायपालिका को भी हटा लिया गया है, क्रॉस कर लो इन पर। जो भी इधर आपको न्यायपालिका से संबंधित जितने पॉइंट है ना वो सारे पॉइंट आपके नहीं है, इनको हटा। ये वाला भी आपको नहीं पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ तथा कार्य आपको नहीं पढ़ने हैं। तो ये इस अध्याय की बात होती है, बाकी सभी पॉइंट आपको इसमें से पढ़ने हैं, ठीक है। अब अगले अध्याय 7 राज्य सरकार की बात करते हैं, तो इसमें से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस अध्याय में से आपको ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ना है, राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया व वर्तमान स्थिति। अब इससे रिलेटेड जो भी ये राज्य कार्यपालिका, ये राज्य, ये नहीं पढ़ने हैं आपको, जो आगे ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको नहीं पढ़ने हैं। बाकी इस चैप्टर में से आपको सभी पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। केवल ये वाला एक पॉइंट है और इससे संबंधित जो भी है ना वो सारे आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद अगले अध्याय 8 जल संसाधन। अब देखो अध्याय 8 जो है जल संसाधन, इसमें से कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये संपूर्ण अध्याय आपको पढ़ना है, ठीक है। अध्याय 9 भारतीय कृषि। देखो अब भूगोल का पाठ शुरू हो चुका है आपके। अब देखो इसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें से आपको ये वाला भारत की प्रमुख दलहन फसलें, दालें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, जितने भी हैं ना दालें वो आपको नहीं पढ़नी है, इसको हटा लिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, ये वाला पॉइंट हटाया गया है। तो इससे संबंधित जितने भी पॉइंट है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो इस पार्ट में से केवल 2 पॉइंट आपके हटाए गए हैं, एक तो दालें और एक भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। अब बात करते हैं अध्याय 10 खनिज व ऊर्जा। अब देखो इसमें से क्या क्या हटाए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस अध्याय में आपको खनिज नहीं पढ़ना है, जिसमें धात्विक खनिज और जितने भी खनिज हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो जो खनिज हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। और इसके बाद ये वाला पॉइंट भारत के प्रमुख खनिज, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, इसमें लौह अयस्क नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। लौह अयस्क आपको, ये तांबा आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब तांबा जहाँ जहाँ मिलता है वो सभी आपको, ये सभी पॉइंट आपको नहीं पढ़ने हैं। बॉक्साइड आपको नहीं पढ़ना है, सीसा व जस्ता भी आपको नहीं पढ़ना है, क्रॉस कर लीजिए इन पर। इसके बाद आगे अभ्रक, अभ्रक भी आपको
नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट में आपको खनिज ऊर्जा खनिज आपको नहीं पढ़ना है, क्रॉस कर लीजिए इन पर, ठीक है। जिस ऊर्जा के जो भी खनिज है ना, कोयला वगैरह, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ये बोर्ड परीक्षा के लिए आपके नहीं है। बाकी के सभी पॉइंट इस पार्ट में से पढ़ने हैं। अब बात करते हैं विनिर्माण उद्योग अध्याय 11 की। देखो इसमें से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो भारत में आधुनिक उद्योग का आरंभ, कट कर लो बेटा इसे, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आगे हैं भारत में लौह इस्पात उद्योग, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग आपको नहीं पढ़ना है, सूती वस्त्र उद्योग भी आपके सिलेबस में से हटा लिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं सीमेंट उद्योग भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपके सिलेबस में से हटा लिया गया है, 2021 में ये नहीं आएगा। कागज़ उद्योग आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपके सिलेबस में से हटा लिया गया है। बाकी इस लेसन में से जितने भी पॉइंट हैं वो आपको सभी पॉइंट पढ़ने हैं। ये कुछ पॉइंट जो हटाए गए हैं ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ये सूती वस्त्र उद्योग भी आपको नहीं पढ़ना है, सूती वस्त्र उद्योग भी आपके सिलेबस में से हटा लिया गया है। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो इस अध्याय में से आपको नहीं पढ़ने हैं। अगले अध्याय की बात करेंगे, अध्याय 12 है मानव संसाधन। अब देखो इसमें से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहला जो है भारत की जनसंख्या की विशेषता, ये आपको नहीं पढ़नी है। आगे देखते हैं भारत की जनसंख्या की विशेषता, ये वाला पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है। भारत की जनसंख्या की विशेषता ये आपके सिलेबस में से हटाया गया है, तो ये वाला पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है। नगरीकरण आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में से हटाया गया है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको नहीं पढ़ना है। अगला पॉइंट जनसंख्या समस्या आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपके सिलेबस में से हटाया गया है। इसके बाद जनसंख्या नीति भी आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसमें जितने भी पॉइंट आएंगे ना वो सभी पॉइंट आपको नहीं पढ़ेंगे, आप लोग उनको नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये भी आपको नहीं पढ़नी है, सिलेबस में से हटाई गई है राष्ट्रीय जनसंख्या। बाकी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, सॉरी, ये वाला पढ़ना है आपको, ये वाला पढ़ना है, ये वाला हटाया गया है। राजस्थान की जनसंख्या नीति ये कट करना बेटा, वो नहीं करना, ये वाला कट करना है आपको, ठीक है ना, ये हटाया गया है। और बाकी सभी पॉइंट इसमें से पढ़ने। अध्याय 13 संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है, इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरे अध्याय को कट कर लीजिए आप लोग, ये संपूर्ण अध्याय हटाया गया है। अध्याय 14 आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। अब देखो इसमें से ये पहला पॉइंट हट गया, राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय आपको नहीं पढ़ना है। इसमें जितने भी पॉइंट है ना, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। देखो अगला जो पॉइंट है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये वाला पॉइंट भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है। आगे देखते ये वाला पॉइंट आर्थिक वृद्धि भी आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब अगले अध्याय की बात करते हैं, अध्याय 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। अब देखो इसमें से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो चलते हैं। देखो इसमें से ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप, जो भी है निम्न प्रति व्यक्ति आए, गरीबी की समस्या, ये पॉइंट आपको
नहीं पढ़ने हैं। अन्य विशेषताएं जो भी दे रखी है ना, ये वो आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद एक और पॉइंट, विकासशील अर्थव्यवस्था भी आपको नहीं पढ़नी है। विकासशील अर्थव्यवस्था के जो रूप है, ये वाला पॉइंट है आपके, ये वाला पॉइंट, ये आपको नहीं पढ़ना है। और बाकी के जितने भी पॉइंट है ना, वो सभी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये इस अध्याय की बात हो गई। अब बात करते हैं अगले अध्याय की। इसका नाम है आपके 16 अध्याय, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। इसमें केवल एक पॉइंट हटाया गया है, मूल्य वृद्धि। तो आपको, आप देख सकते हो, मूल्य वृद्धि या मुद्रा स्फीति, ये वाला पॉइंट हटा दिया है इसमें से। बाकी के जितने, ये वाला मूल्य वृद्धि वाला, जिनके जितने भी पॉइंट है ना, वो सभी आपको पढ़ने हैं। ओनली ये वाला पॉइंट इसमें से हटाया गया है और सभी पॉइंट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं अगला जो अध्याय है 17, मुद्रा और वित्तीय संस्था। ये पूर्ण अध्याय हटा दिया गया है, इसमें से कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। संपूर्ण अध्याय ये हटा लिया गया है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका सिलेबस, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो अधिक से अधिक छात्रों तक इसे पहुँचाएँ और आप बोर्ड परीक्षा 2021 में अच्छी तरह से पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।